मेरी जो YouTube की जर्नी है इसमें मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी मम्मा और पापा ने। जो मेरे हस्बैंड है विपुल, वो मुझे काफी टाइम से मतलब 2019 से ही, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तब ये जो इनकम जब मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हुई ना, तो उस दिन वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़ में प्रियंका राज। नया दिन, नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। वैसे तो आपको यूट्यूब का थंबनेल और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, जल्दी जल्दी जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी जो YouTube की जो जर्नी है ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। आप सबने जो मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए एक बार फिर से आप सबका थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम कवर करेंगे कि मैंने अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो क्यों स्टार्ट किया था, कब शुरू किया था, कितना टाइम लगा और मुझे फाइनली कितने पैसे मिले। पहले शुरू करते हैं कि मैंने अपना YouTube का चैनल क्यों शुरू किया था। आई थिंक ये बात है 2021 की अक्टूबर, जब दिवाली थी, तो दिवाली में मेरी जो छोटी सी कजन सिस्टर है जिसका नाम है जानवी, मेरी बुआ की बेटी, तो वो आई थी। तो उसने जब हम छत पे ऐसे शाम को गए थे तो वो बोलती कि दीदी आप अपना YouTube का चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसी थी कि YouTube का चैनल नहीं यार मेरे से नहीं होगा, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा YouTube का चैनल है। तो वो मुझे बोलती कि दी आपका ना YouTube पे चैनल है, जो कि मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा YouTube पे चैनल है। तो उसने बताया मुझे, और जब अपना देखा तो मैंने देखा कि सच में उसमें मेरे दो सब्सक्राइबर थे, वो एक मेरी जो कजन सिस्टर थी जानवी और उसकी एक फ्रेंड थी, तो मतलब उन दोनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखो ये मुझे मोटिवेट कर रही है, और प्लस जो मेरे हस्बैंड है विपुल, वो मुझे काफी टाइम से मतलब 2019 से ही, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तब से मुझे मोटिवेट किया करते थे कि आप YouTube चैनल बनाइए, आप YouTube चैनल बनाए, आप YouTube पे ग्रो कर सकते हो। बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरे के सामने आने के लिए, मुझे लगा था पता नहीं मैं कैसे शुरू करूंगी, मेरा कंटेंट कैसा होगा, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने ये नहीं बना पाई। तो मतलब मेरा जो ये सबसे पहले जो YouTube स्टार्ट करने की जो रीजन था वो थी मेरी कजन सिस्टर जानवी और माय हस्बैंड विपुल। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि हाँ यार अपना YouTube चैनल तो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था ना दोस्तों कि मतलब मेरे फोन की जो मेमोरी है वो जल्दी फुल हो जाती थी। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि YouTube पे अगर हम पोस्ट कर देंगे तो काफी टाइम तक मतलब मेरा जो फोन का स्पेस है वो खाली भी हो जाएगा और जो मेमोरी है वो हमेशा के लिए YouTube पे रहेगी। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कभी YouTube से कोई पैसे भी मिलते हैं, कोई मोनेटाइजेशन होता है। मैं बस अपना रैंडमली अपना मतलब YouTube पे चैनल मतलब वीडियोस डालती गई। अभी मुझे याद है कि ये 2021 में नवंबर में मेरी फर्स्ट ब्लॉग आया हुआ था, जो मैंने सबसे पहले बनाया था ऐसा परांठा कभी नहीं खाया, जो मैंने बनाया था जब मैं ओल्ड मनाली गई थी मेरे नाना नानी के घर, मेरे बड़े मामा के वहां पे, तो उन्होंने एक पैराडाइज परांठा बनाया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम वो बनाया था। मैं यहाँ पे अपना वो वीडियो लगा दूंगी, आप देखना कि मतलब मैं कितनी कॉन्शियस होकर बात कर रही हूँ, मैं ऐसे करी थी। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, वो तो स्टार्टिंग की जर्नी थी, पता नहीं था कि कैसे एडिट करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। तो ये था मेरा सबसे पहले रीजन। तो मुझे कितना टाइम लगा इसके बारे में बात करें तो मैंने ये किया था नवंबर 2021 में स्टार्ट किया था, और अभी है मई 23, तो मतलब मुझे 1.5 ईयर हो चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं। तो 1.5 साल के बाद मुझे मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट मिली हुई है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब हम अपना YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है जिसमें हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है YouTube को अप्रूवल के लिए कि आपका चैनल अप्रूव हो जाए। तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उसके विद इन 3 या 4 मंथ्स के बाद ही मेरा ये वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। अब ये जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर वॉच टाइम, ये आपके एक ही वीडियो में भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग वीडियोस पे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है और आपने कितनी वीडियोस बनाई है। तो मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उसके बाद ही मेरा मोनेटाइज हुआ था। जब आपका चैनल अप्रूव हो जाता है तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था उसके बाद मुझे एक गूगल एडसेंस से एक मेल आई थी, फिर मुझे गूगल एडसेंस पे अपना कुछ डिटेल्स डालनी होती जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो भी आईडी प्रूफ डालना होता है एड्रेस के लिए। फिर वो मैं वैसे करती गई, उसे फिल करती गई,
और जब वो फिल किया उसके बाद वहां से एक पिन आता है, पिन वेरिफिकेशन के लिए, और वो मेल से नहीं आता है, वो आता है आपका बाय पोस्ट, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो मुझे याद है कि मैं और पापा, एक हमारे वहां गांव में एक फंक्शन था किसी रिलेटिव के वहां पे, तो हम वहां पे थे और पोस्टमैन का फोन आया था पापा को। तो पापा ने बोला कि तेरा कुछ आया है, बोला पोस्ट बाय पोस्ट से। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या आया होगा, और जब मैं वहां गई बाहर तो पोस्टमैन ने मुझे मेरा जो YouTube का जो पिन आता है एक वो दिया, Google AdSense का एक पिन आता है वो दिया, जो जिसका डिजिट का 6 डिजिट का होता है, अब मुझे उतना याद भी नहीं है। तो बस उसे देख के मैं सच बताऊं कहूँ ना दोस्तों कि इतनी खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तभी लोगों को पसंद आ रहा है, तभी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगर जिसको नहीं भी आ रही है पसंद वो भी देख रहे हैं, पर चलिए इसमें कोई बात नहीं। तो बस इस तरह से ये जर्नी शुरू होती गई। उसके बाद कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, उसके बाद मैं वीडियोस डालती गई और व्यूज के हिसाब से आपको अमाउंट क्रेडिट होता गया। और जब आपके $100 हो जाते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं और जो YouTube है आपको अपनी पेमेंट देता है। तो मतलब ये हर मंथ मैक्स 21 से 26 के बीच में आती है, तो ये जो पेमेंट है YouTube की ये उस टाइम आती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब मेरा जो YouTube चैनल है मैंने इस तरह से शुरू किया, तो 1.5 ईयर लगे इस जर्नी को कम्प्लीट करने में। तो वैसे तो मुझे मेरी जो YouTube की पेमेंट है काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, बट मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं अपना ये फर्स्ट ब्लॉग बनाऊं, अपनी YouTube पेमेंट का फर्स्ट ब्लॉग बनाऊं और मेरी जो YouTube फैमिली आपके साथ शेयर करूं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मेरी तरह जो छोटे यूट्यूबर है जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए भी एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि आप बस वीडियोज बनाते रहे तो कभी ना कभी आपको भी फल मिलेगा ही। जहां मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स थे आज अप्रॉक्स 6,000 होने वाले हैं, तो मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। और एक बार फिर से आप सबका थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। मेरी जो YouTube की जर्नी है इसमें मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी मम्मा और पापा ने, और हाँ साइड बाय साइड मुझे विपुल भी मोटिवेट किया करते थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं कि जो मुझे इसके लिए मोटिवेट करते हैं। कई बार होता है ना दोस्तों कि मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं व्यूज नहीं आ रहे हैं, नहीं अब वीडियो नहीं बनानी है, बट मुझे पापा हमेशा मोटिवेट करते थे कि व्यूज आए या ना आए तो उन्हें वीडियो बनानी ही बनानी है। और मेरी मम्मा को तो आपने मैक्सिमम ब्लॉग में देखा ही होगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम ब्लॉग्स अपने मम्मा के साथ बनाए हुए हैं, तो मेरी मम्मा ने मेरा कंटेंट क्रिएट करने में मेरी काफी मदद की। तो और हाँ जब मैं लाहौल में थी तो जो लाहौल के लोगों ने भी मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है और वहां का कल्चर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरे आसपास जो भी लोग थे अराउंड थे उन सब ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि YouTube से मुझे कितने पैसे मिले। जो मुझे YouTube से सबसे पहले दोस्तों एक मेल आई हुई थी कि आपके अकाउंट में मतलब हमने पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं, मतलब आपके Google AdSense से आपकी पेमेंट रिलीज हो चुकी है और विद इन 2 to 5 डेज के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आपके जो बैंक है आपने जो डिटेल डाली होगी उससे जाके संपर्क करें। तो बस मुझे याद है कि सेकेंड सैटरडे संडे था उस दिन, तो 2 दिन हो चुके थे। विद इन मंडे को ही मुझे मेरे क्रेडिट में मतलब मंडे को ही मुझे मेरे बैंक से मैसेज आया है कि इतना इतना अमाउंट आपकी उसमें क्रेडिट हो चुका है। वैसे तो मैं आपको अपनी YouTube की एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊं कि मुझे कितने आए हैं, बस ये है कि मतलब 10,000 से 15,000 के बीच में आई हुई है, मतलब जिससे आप एक डेनियल विंटन की वॉच खरीद सकते हैं। तो बस ये थी मेरी फर्स्ट इनकम, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, बट सच बताऊं दोस्तों कि मतलब ये जो इनकम जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई ना तो उस दिन वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। और सबसे पहले मैंने वो बात शेयर की अपनी मम्मा से क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस यूट्यूब चैनल के लिए। तो बस दोस्तों ये थी मेरी YouTube की एक छोटी सी जर्नी। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा जो नए यूट्यूबर्स हैं। मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगी बस वीडियोस बनाते जाए, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज पक्की पहाड़न प्रियंका राज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय दोस्तों, आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।